हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडेज वर्ब जी फोर ग्रेप्स। आज हम क्या सीखेंगे? जी फोर गर्ल, जी फोर ग्रेप्स। तो चलो अब हम जी को ट्रेस करना सीखते हैं। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन और फिर यहाँ से टर्न। कैसे बनाते हैं जी फोर ग्रेप्स? हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। तो चलो अब हम जी फोर ग्रेप्स को ट्रेस करना सीखते हैं। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। क्या बोलते हैं इसे? जी फोर ग्रेप्स। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। जी फोर ग्रेप्स। क्या बोलते हैं इसे? जी फोर ग्रेप्स। तो अब हमने ट्रेस करना सीख लिया है। तो अब हम एक डॉट से जी फोर ग्रेप्स बनाना सीखते हैं। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। क्या बोलते हैं इसे? जी फोर ग्रेप्स। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। जी फोर ग्रेप्स। क्या बोलते हैं इसे? जी फोर ग्रेप्स। हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। तो अब हम कैपिटल जी फोर ग्रेप्स और स्मॉल जी फोर ग्रेप्स बनाना सीखते हैं। कैपिटल जी फोर ग्रेप्स और ये स्मॉल जी फोर ग्रेप्स। कैपिटल जी फोर ग्रेप्स और ये स्मॉल जी फोर ग्रेप्स। कितना इजी है ना जी फोर ग्रेप्स? कैसे बनाते हैं? कैपिटल जी फोर ग्रेप्स और ये स्मॉल जी फोर ग्रेप्स। स्पीक एंड राइट। कैसे लिखते हैं जी फोर ग्रेप्स? कैपिटल जी फोर ग्रेप्स और ये स्मॉल जी फोर ग्रेप्स। तो चलो अब हमने जी फोर ग्रेप्स लिखना सीख लिया है। तो अब हम एच फोर हॉर्स लिखना सीखते हैं। एच फोर हॉर्स, एच फोर हाउस। कैसे लिखते हैं एच फोर हॉर्स? स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न लेना है। कैसे लिखते हैं एच फोर हॉर्स? स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न लेना है। तो चलो अब हम एच फोर हॉर्स को ट्रेस करना सीखते हैं। स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न। एच फोर हॉर्स, एच फोर हॉर्स। क्या बोलते हैं इसे? एच फोर हॉर्स, एच फोर हॉर्स। तो अब हमने ट्रेस करके लिखना सीख लिया है। तो अब हम वन डॉट बना के लिखना सीखेंगे।
स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न, स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न, एच फोर हॉर्स, एच फोर हॉर्स, स्पीक एंड राइट, बोल के लिखना है, एच फोर हॉर्स। कितना इजी है ना एच फोर हॉर्स। तो अब हम कैपिटल एच फोर हॉर्स और स्मॉल एच फोर हॉर्स लिखना सीखेंगे। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये कैपिटल एच फोर हॉर्स। स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से टर्न, ये स्मॉल एच फोर हॉर्स, कैपिटल एच फोर हॉर्स, और ये स्मॉल एच फोर हॉर्स। स्पीक एंड राइट, बोल के लिखना है, कैपिटल एच फोर हॉर्स और ये स्मॉल एच फोर हॉर्स, कैपिटल एच फोर हॉर्स और ये स्मॉल एच फोर हॉर्स। आप सबको समझ में आ गया ना, तो आपको इसकी घर पे नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है।